आज निश्चित तौर पर ये सरना कोर्ट का जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई आज के दिन में इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हमारा प्राकृतिक, हमारा सांस्कृतिक, हमारी पहचान आज इसके ऊपर एक जोरदार हमला है और ये लगातार हमला बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, चाहे जल जंगल जमीन लूटने का सवाल हो, चाहे हमारी संस्कृति को भटकाने की सवाल हो, ये तमाम जो है षड्यंत्र जोरों से चल रही है और इसीलिए आज हमारी कोई पहचान में कोई कमी नहीं है। आज सरना धर्म को केवल झारखंड ही नहीं, पूरे देश के कोना कोना ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में आज आदिवासी समाज का जो मेन जो कल्चर है, धरोहर है, उसको आज लोहा लोग मानते हैं। लेकिन आज जिस रूप में हमला जो हो रही है, इस हमला को बचाए रखने के लिए, इसको जो है हमला को खत्म करने के लिए, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए आज हम लोग को संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है और ये कारवां लगातार बढ़ रही है, ये कारवां आगे जो है और विशाल रूप ले रही है और निश्चित तौर पर आने वाला दिनों दूर नहीं जब झारखंड जैसे विधानसभा सत्र में जिस रूप में सरना कोड का जो है अनाउंस किया गया, उसी प्रकार देश के हमारे सदन जो मुख्य सदन है संसद में, वो भी जो है सरना कोड के रूप में गूंजेगी और हमको सरना कोड मिलेगा, ये हम लोग को विश्वास है। और इसलिए आज हमारी पार्टी की ओर से भी सरना कोड के सवाल पर हम आपके साथ हैं, हमारा संगठन पूरा साथ में है और हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे तमाम अगुवाओं से कि आने वाला दिन में, चूंकि हमारे कस्टोडियन राज्यपाल महोदय हैं, हमारे कस्टोडियन राष्ट्रपति महोदय हैं और आज सर्वोच्च पद पर हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं और निश्चित तौर पर हम द्रौपदी मुर्मू जी से इस मंच से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारे कस्टोडियन हैं और आज हमारे ऊपर जिस रूप में हमला है, उस हमला को देखते हुए सरना कोड हमको कैसे मिलेगी, इसके लिए आप पहल करें ताकि हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सारा चीज बचा हुआ रहे, क्योंकि आदिवासी उनका कल्चर ही जो है उनकी पहचान है और पहचान जिस दिन मिट जाएगा, आदिवासी मिट जाएंगे और आदिवासी जिस दिन मिटेगा उस दिन प्राकृति मिटेगा और जिस दिन प्राकृति मिटेगा यहाँ आदमी तो आदमी, कोई भी जीव जंतु बचने वाला नहीं है। और इसीलिए आज हम लोग देखे पिछले दिनों जब 2020 और 2021 में जब कोविड का समय था, उस कोविड के समय में केवल भारत देश ही नहीं, दुनिया में सबसे सर्वोच्च जो है विकसित देश, जो है विकासशील देश, ये जो है कहते थे कि हम सार टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन वो भी जो है घुटना टेक दिए थे। सबको जो है एक ही बात नजर आ रहा था, सबका जबान में एक ही बात जो है आ रही थी, वो है प्राकृतिक की जबान। वो जो है कह रहे थे प्राकृतिक बचाओ, यहाँ प्रदूषण बढ़ गया है। आज सही मायने में आप देखिएगा 100 व्यक्ति में जो है अगर देखिएगा 70 से 80 लोगों में आज बीमारी का शिकार हो रहा है, जो बीमारी के लोग जानते नहीं थे, जैसे आपका जो शुगर, यहाँ जो है टीबी, ऐसे कई ऐसे बीमारी जिसका कोई नामो निशान नहीं था, आज 100 में से 70 से 80 लोगों के बीच में जो है बीमारी जो है घुस चुका है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आज लोग जो है कह रहे हैं विकास होना चाहिए, विकास का हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन विकास कैसा विकास होना चाहिए, प्रकृति को दोहन करके विकास नहीं, आदिवासियों को कुचल के विकास नहीं, ये हम लोग बर्दाश्त ना किए हैं ना बर्दाश्त करेंगे। ये हमारा जो इतिहास गवाह है, चाहे शहीद बिरसा मुंडा का लड़ाई हो, चाहे शहीद वीर बुद्ध भगत जी का लड़ाई हो, ये लड़ाई आने वाला दिन में युगों युगों तक हमारे नौजवान को याद दिलाती है और हम लोग जोश पैदा करती है कि हम लोग लड़ाई कभी नहीं भूले हैं, हम लोग निश्चित तौर पर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा खतरा जो है मंडराएगी, उस दिन हम लोग जो है चुप नहीं बैठने वाले हैं, उस दिन जो है ये महाधरना के रूप में आंदोलन नहीं होगा, पूरे देश में जो है चक्का जाम जैसा जो है आंदोलन होने के लिए बाध्य मत करिए, ये हम लोग जो है सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, ये जो लड़ाई है ये किसी को भेदने का लड़ाई नहीं है, किसी को तोड़ने का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व का लड़ाई है, हमारी पहचान की लड़ाई है। हमारी पहचान जो है जिंदा जब तक नहीं रहेगा तब तक यह समाज जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरना कोड लागू हो और सरना कोड लागू होगा तो निश्चित तौर पर हमारा कस्टमरी लॉ से लेकर हमारे तमाम परंपरागत जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे सदियों से
पूर्वजों द्वारा दिया हुआ जो हमारा विरासत है वो चलते आ रहा है, वो आने वाला दिन में भी जो है वो चलते रहेगा। और निश्चित तौर पर झारखंड ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया में जो है आने वाला दिन एक संदेश निश्चित तौर पर जाएगा कि आदिवासियों को मानने वाले जो लोग हैं, आदिवासियों को जो कुचलने का जो काम करते हैं वो रहे सावधान, नहीं तो जो है आदिवासी किसी को बख्शने वाले नहीं है। इसीलिए अब तमाम लोगों को ये आश्वस्त करते हुए अपना बात हम समाप्त करेंगे कि आने वाला दिन सरना को निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारा कारवां जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सबको एक एक व्यक्ति उतना ही जिम्मेवारी के साथ हम लोग को यहाँ से जाना होगा। और आने वाला दिन इसकी संख्या को जो है अपने राज्य के अंदर भी हमको मजबूत करना पड़ेगा। और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको भी समझाना होगा और सरकार को भी समझाना होगा कि भाई यहाँ जो है एक आदमी लिखते हैं चाहे हजार आदमी लिखते हैं ये मायने नहीं रखता। सरना धर्म है तो उसको आपको मानना पड़ेगा। आप विभिन्न धर्म को आप मान रहे हैं तो आप सरना धर्म को क्यों नहीं मान सकते हैं? हो सकता है कुछ आदिवासी परिवार अपने भाषा बोली में क्षेत्र के आधार पर अलग अलग बात के आधार पर वो लोग बोलते हैं करते हैं, लेकिन सबकी संस्कृति एक है, तमाम आदिवासियों की संस्कृति एक है। चाहे वो गोंडी के रूप में मानते हो चाहे भील के रूप में मानते हो, हम लोग सरना धर्म के रूप में मानते हैं। तो सरना का कोड आपको देना होगा, ये बात जो है आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए। इन सब तो के साथ तमाम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।